नमस्कार, मैं हूं प्रभात कुमार और न्यूज 11 भारत में आपका स्वागत है। हमारा खास कार्यक्रम बोल जनता बोल, जो आम आदमी से जुड़ी समस्याओं को हम लोग प्रशासन सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। वैसे मैं हूं गोविंदपुर के क्षेत्र में। पिछले कई वर्षों से अगर हम कहें तो ये गोविंदपुर की सड़क हमारे सहयोगी अनवर आपको दिखा रहे होंगे, कई वर्षों से खराब है। कई सांसद आए, कई विधायक आए, लेकिन आज भी ये रोड की स्थिति वैसी। आप देखिए, सुबह के वक्त जब नल का पानी चालू होता है तो ये रोड में मानो तालाब सा बन जाता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ियों की आवाजाही होती है। पिछले कई वर्षों से यहाँ के लोग सांसद विधायक को गुहार लगा चुके हैं, साथ ही साथ जो प्रशासन है उन्हें भी कई बार इन लोगों ने अपने तरीके से ये आग्रह किया है, गुहार लगाई है कि कम से कम ये रोड बन जाए, क्योंकि इस रोड से बड़ी आबादी जो है, जो टाटा कंपनी में, जो चैटेलको में काम करने वाले आबादी यहाँ रहते हैं, तो यहाँ से लोग कंपनी में काम करने जाते हैं, तो उन्हें साथ ही साथ जो स्कूल के बच्चे हैं या टीचर्स हैं या अन्य है बुजुर्ग लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हमारे सहयोगी अनवर आपको दिखा रहे होंगे स्क्रीन पर कि रोड की स्थिति कैसी है, कैसे लोग परेशान होते हैं। देखिए, आवाजाही करने वाले लोग अभी पास कर रहे हैं तो बोल रहे हैं बढ़िया से बनाना खबर, लेकिन कहीं ना कहीं खबर बनाने का मकसद होता है कि प्रशासन जागे। कहीं ना कहीं प्रशासन को कम से कम इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, साथ ही साथ जो सांसद विधायक हैं उन्हें कम से कम इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि ये जो रोड की स्थिति है, उत्पन्न हुई है, वो कम से कम उससे निजात पा सके। न्यूज़ 11 भारत का कार्यक्रम बोल जनता बोल का मकसद ही है कि लोगों की समस्याओं को आप तक पहुंचाना, प्रशासन तक पहुंचाना, ताकि इन समस्याओं का समाधान हो सके। देखिए, जैसे हम लोग यहां पहुंचे तो बहुत सारे लोग घर के बाहर निकल के खड़े हो गए और ये बातें कर रहे हैं कि ये रोड काफ़ी जर्जर स्थिति में है, कहीं ना कहीं इस रोड को बनना चाहिए। काफ़ी लोग हैं, हम यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हम जान लेते हैं कि आखिर ये देखिए ये रोड तो हमें लगता काफ़ी वर्षों से इसी तरह की स्थिति है। कई सांसद आए, कई विधायक आए, लेकिन अभी भी स्थिति वही है। क्या कहेंगे प्रशासन से, क्या मांग करेंगे? मांग तो एक साफ है, गोविंदपुर की जनता अब मन बना चुकी है, पंचायत चुनाव आने वाला है। तो जब हम पंचायत क्षेत्र में आते हैं, विगत 10 वर्षों से हम पंचायत क्षेत्र में आते हैं, ये 10 साल से रोड का ऐसा स्थिति है। पानी की खुदाई के लिए रोड को कोड़ा गया था और उसके बाद खानापूर्ति के नाम पे रोड को बस चिपिंग कर दिया गया, और रोड का इसमें कम से कम रोज हजारों लोग इससे जाते हैं, क्योंकि ये गोविंदपुर सड़क जादूगोड़ा आसन बनी होते हुए ये कनेक्टिंग सड़क है शहर का। कोई भी लोग जिनको आसन बनी जाना है, पोटका जाना है, जादूगोड़ा जाना है, वो इसी सड़क का उपयोग करते हैं और यहाँ से लाखों लोगों का आवागमन है। लेकिन प्रशासन किस चीर निद्रा में है, तो अब तो उनको जगाना पड़ेगा अगर वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं कि कितने लोग। आप देखिए, रोज यहाँ दुर्घटनाएं होती है। मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि अगर यह रोड से किसी, अगर हमारी बहन को, किसी हमारी महिला को अगर प्रसूति का दर्द होगा तो वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाएगी। ये एक ऐसा मुद्दा है कि वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाएगी, उसको यहीं पर यह होना होता है, और कभी भी कोई भी घटना घट सकती है। दुर्घटनाएँ तो हो ही रही है, तो अब जनता आंदोलन के मूड में है। हम लोग चाह रहे हैं कि यह सड़क जल्द से जल्द बने, नहीं तो सड़क से लेकर सदन तक हम लोग यहाँ पर सड़क सत्याग्रह करेंगे और इस सड़क को बनवाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए अब गोविंदपुर की जनता तैयार है। क्षेत्र के सांसद या विधायक कोई पहल नहीं कर रहे? देखिए, सांसद महोदय तो बहुत दिनों से है, विधायक जी से भी बात हुई है, वो बोल रहे हैं बनेगा बनेगा, लेकिन हम लोग अब इसका निराकरण चाहते हैं। हम लोग जनता अब सड़क पर आएगी, हम लोग इस सड़क का निराकरण चाहते हैं। कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ये रोड के चलते? मेरे हिसाब से तो अभी ये सड़क रहा नहीं, अब इसमें मेरे को लगता है कि अगर हम लोग धान का खेती करना चाहे तो धान का खेती भी कर सकते हैं, तो सड़क तो अभी ये रहा नहीं। और रहा बात शारीरिक जो नुकसान है, मतलब आए दिन दुर्घटना घट रही है और साथ साथ वाहन भी जो है बहुत क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं, जल जमाव वैसे ही है। जो आपका परियोजना, जल परियोजना का जो कार्य था वो तो हुआ, लेकिन उसके बाद जो ध्यान देना चाहिए था प्रशासन के द्वारा या फिर जो भी अन्य हमारे सांसद प्रतिनिधि है या जो भी सांसद हुए हमारे क्षेत्र के विधायक हुए, किन्हीं का भी ध्यान इस पर नहीं है। और वोट के समय जो है वो सब कोई आते हैं, मतलब और पर जब अभी जो ये नर्क में हम रह रहे हैं तो अभी हमारी शुद्धि लेने वाला यहाँ पर कोई नहीं है, तो अब तो सड़क है नहीं है, तो धान का खेती करने लायक हो गया है। वाकई में ये तो देखने से लग रहा है कि सड़क नहीं है, काफ़ी दिनों का ये बात याद दिलाना चाहता हूँ आपको। 2019 में मैंने जनता मार्केट रोड का आंदोलन किया था, उस टाइम सहीश जी यहाँ से विधायक भी थे और मंत्री भी थे। उस समय मुझे याद है कि उस आंदोलन के बाद में, बहुत संघर्ष के बाद में, सफलता मिली और जनता मार्केट का रोड बनाया गया।
लेकिन आज जो मुख्य रूप से जैसे परितोष भाई ने कहा, ये लगातार संघर्ष करते आए हम लोग के साथ में सड़क को लेकर के, सिर्फ सड़क के मामले में पूरा गोविंदपुर शहर से अलग थलग हो गया है। तो क्या सरकार गोविंदपुर को जमशेदपुर का हिस्सा नहीं मानती है? एक और अफसोस जाहिर करता हूं कि एक समय था कि इस रोड के आंदोलन को लेकर के हमारे साथ सहयोगी होकर के माननीय विधायक जी बैठे थे, जो अभी तत्कालीन विधायक हैं, और उस टाइम वो हमारे साथ आंदोलन में सहयोगी होते थे। और आज जब उनके हाथ में सभी चीज सहज है, पावर है, सभी बातें हैं, और तब अगर हमारे शहर के लोग या हमारे क्षेत्र के लोग सड़क को लेकर के इतने उपेक्षित हैं, तो ये कहीं ना कहीं जरूर संदेश जाना चाहिए, लोगों को भी समझ में आना चाहिए, प्रशासन को भी और विधि व्यवस्था को भी, कि सड़क को लेकर के गोविंदपुर से बाहर निकलना ये एक गोविंदपुर के लोगों के लिए टास्क के जैसा है, एक कार्य के जैसा है कि यहाँ से अगर मैं अपने घर से अन्ना चौक तक पहुँचता हूँ तो ये एक बड़ा काम है हम लोगों के लिए। जी बिल्कुल, देखिए जैसे ये बता रहे हैं, अगर हम अपने घर से अन्ना चौक तक अगर पहुंच गए, सही सलामत पहुंच गए, तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए किस तरीके का सड़क है, इससे अंदाज लगाया जा सकता है। इस क्षेत्र में जल परियोजना की शुरुआत हुई थी और इसको घर घर जल पहुंचाने की कार्य शुरू किया गया था, उसकी वजह से कई क्षेत्रों में इस पाइपलाइन बिछाने के लिए गड्ढा भी किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो रोड कंस्ट्रक्शन का विभाग है, जो वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरता, और उसका नतीजा जैसे लोग बता रहे हैं कि क्षेत्र के विधायक इससे पहले कई बार आंदोलन में शरीक हुए थे, लेकिन जब उनके पास सारे कुछ हथियार है तो आज भी वो क्यों ना इस रोड को बनाने में पहल कर रहे हैं। निश्चित है कि इस क्षेत्र की जनता काफ़ी त्राहिमाम है और इस क्षेत्र से काफ़ी बड़े पैमाने पर, चाहे वो स्कूल की छात्रा बताएं या फिर जो कंपनी में काम करने वाले लोग हैं या फिर अन्य लोग हैं, ये शहर को जोड़ता है। और टेल्को का क्षेत्र जो है, जो ये जो कंपनीज एरिया है, वहाँ काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, लेकिन कहीं ना कहीं गोविंदपुर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर यही सड़क नहीं, मेरे सहयोगी दिखा रहे होंगे, यही सड़क नहीं, कई ऐसी सड़कें हैं जो आज एक खस्ते हाल में है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर मजबूरन अपने कार्य में जाते हैं, चाहे स्कूल के बच्चे हों चाहे अन्य काम के लिए। जैसे एक व्यक्ति ने बताया कि अगर महिला को प्रसव अगर पीड़ा हो गई, अगर वो उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, तो जो रोड की स्थिति है वो कहीं ना कहीं रोड पे ही प्रसव ना हो जाए। तो ऐसे में जो क्षेत्र के सांसद है, क्षेत्र के विधायक है, या फिर जो प्रशासन है, जो मुखिया है, या फिर जिले के जिला पार्षद है, उन लोगों को कम से कम एक आंदोलन करने की ज़रूरत है, ताकि इस तरीके का जो समस्या उत्पन्न होती है, निजात दिलाया जा सके। और न्यूज़ 11 भारत के कार्यक्रम बोल जनता बोल का मकसद भी है कि हम समस्याओं से लोग प्रशासन को रूबरू कराएं, ताकि ये समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो सके। क्या कहेंगे सर? समस्या देखिए, सबसे बड़ा रोड को लेकर के गोविंदपुर में इतना ज़्यादा समस्या है ना, इस पूरे कार्य में क्वालिटी का कोई ध्यान रखा ही नहीं गया है। जैसे तैसे पूरा सरकारी मशीनरी और पैसे का खुलकर दुरुपयोग हुआ है, जिसका कि अगर उदाहरण, मतलब कि अगर इसका पेश किया जाए तो एक मिसाल के रूप में भ्रष्टाचार और मतलब कि एक अनियमितता का सबसे बड़ा ये जीता जागता उदाहरण है। ठीक है, विभाग के तरफ से है, और किसके काम अगर सरकारी पैसे का हुआ है तो विभाग के द्वारा कराया गया। आप अगर किसी ठेकेदार को, अगर आप किसी भी कंपनी को आप टेंडर दे रहे हैं, क्या कार्य हुआ नहीं हुआ उसका फाइनल इंस्पेक्शन कीजिए, वस्तु स्थिति उस प्रोजेक्ट का क्या है, ये आखिर देखना किसका काम है, आखिर इसके लिए कोई तो जिम्मेदार है। हमारे यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सरकारी मशीनरी में कोई भी है, बस उनका कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, जनता है अपने भरोसे, कुछ दिन पहले सभी के द्वारा मिल करके अपने जन सहयोग से रोड का निर्माण कराया गया। ठीक है, तो इस तरह से आखिर मतलब कि जनता जब अगर आपको GST भर रहा है, हर तरह से टैक्स दे रहा है, तो फिर वो सारा पैसा तो पानी में जा रहा है, और आखिर जनता सड़क में गड्ढा है, गड्ढे में पानी, और जनता पानी के अंदर, और इसमें कुछ नहीं है। बिल्कुल, देखिए इन्होंने जिस तरीके से कहा कि सड़क में गड्ढे हैं, गड्ढे में पानी है, और जनता पानी के अंदर है। अब ये देखिए, ये बसें आ रही है, हालांकि ये क्षेत्र में कई ऐसे बड़ी कंपनियां हैं, चाहे टाटा मोटर्स कह लें, टाटा कमिंस कह लें, या फिर जो निवोको है, वो कंपनियां इस क्षेत्र में हैं, लेकिन अभी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत भी कम से कम कंपनियों को भी इस क्षेत्र में कार्य करना चाहिए था, वो नहीं करते। अब ये देखिए, ये बस पार हुई है,
किस स्थिति में पार हो रही है। अगर कहीं ना कहीं किसी तरह से किसी कोई दुर्घटना हो जाती है तो ये मेन रोड जो है, जो जमशेदपुर से सीधा जादूगोड़ा को जोड़ने वाला, मूसाबनी को जोड़ने वाला रोड है, तो समझा जा सकता है क्या स्थिति है। रोड की स्थिति सहयोगी दिखा रहे हैं और इस क्षेत्र में बड़े बड़े मकान हैं क्योंकि ये पंचायत क्षेत्र में आता है और बड़े बड़े मकान हैं और अच्छे अच्छे मकान बने हुए हैं, लेकिन रोड की स्थिति ऐसी है कि लोग इधर इस क्षेत्र में आना नहीं पसंद करते। कहीं ना कहीं ये अगर हम कहें क्षेत्र के सांसद, विधायक या फिर जो प्रशासन है, उसके लिए कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है कि क्योंकि जनता जिस तरीके से अब गुहार लगा रही है कि अगर अब इसे जल्द से जल्द अगर नहीं बनाया गया तो जनता सड़क पर उतर कर इसका घोर विरोध करेगी और निश्चित है आने वाले दिनों में रोड जाम करने की बात कह रहे हैं कि हो सकता है कि रोड भी जाम करें। इस लड़ाई लड़ रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको बनाया जाए ताकि जो आवाजाही में जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो नहीं करना पड़े। निश्चित है कहीं ना कहीं प्रशासन को, जो सांसद हैं या विधायक हैं, उनको इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे लोगों ने कहा कि चुनाव के वक्त लोग आते हैं, वोट मांगते हैं, चले जाते हैं, लेकिन वही स्थिति पिछले कई वर्षों से। निश्चित है प्रशासन को इसको ध्यान देना चाहिए, सांसद को ध्यान देना चाहिए ताकि ये रोड का निर्माण जल्द से हो सके और इस क्षेत्र की जनता को कहीं ना कहीं इसका लाभ मिल सके। अब देखिए लोग किस तरीके से मिट्टी डालकर या फिर बड़े बड़े बोल्डर डालकर वो स्वयं अपने ऐसे रोड का निर्माण कराया ताकि जो घर में उनके जो गेस्ट आए या मेहमान आए उनको ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करे। जैसे कई लोगों ने कहा कि अब रोड की वजह से लोग घरों पर आना नहीं पसंद करते या फिर टेल्को बुला लेते, तो समझा जा सकता है किस तरीके से ये रोड की स्थिति है। पाइपलाइन की वजह से अब देखिए एक महिला गाड़ी से जा रही है, कहीं ना कहीं अगर थोड़ी सी दुर्घटना हो जाए तो अगर गिरती है तो निश्चित है दुर्घटना का शिकार होंगे, पैर टूट सकते हैं, कई लोगों की जानें भी गई हैं जैसे स्थानीय लोग बता रहे हैं। तो निश्चित है कि प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि समस्या से निदान मिल सके। जो आपको स्क्रीन पर जो हमने दिखाया कि कहीं कहीं बने हुए, देखिए आप लोग जैसे बता रहे हैं कि कुछ क्षेत्र में है जो आप लोग अपने आप स्वयं सहायता करके अपने पैसे से बना रहे हैं, मुझे लगता है कि प्रशासन, सांसद, विधायक के रहते हुए आपको अगल बगल के लोगों से पैसा कलेक्ट करके बनाना पड़ रहा है, तो क्या कहें जी? ऐसा कहना है कि जब हम खुद गिर रहे हैं, लगातार दो बार गिरे हैं, तो इसलिए उनका नहीं इंतज़ार करके बीच बीच में हम लोग ऐसा करते हैं कुछ अपना चंदा करके ही जान बचाने के लिए थोड़ा रिपेयर कर लो। अगर सरकार करेंगे और विभाग करेगी तो अति उत्तम, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ तो इनिशिएटिव लेना ही पड़ता है। कभी मिट्टी भर दो अपने से या कभी सीमेंट लगा दो। इस गड्ढे में दो बार गिरा हूँ तो अब तो यही लगता ना कि गड्ढा जल्दी जल्दी बंद हो चाहे जैसे हो। बिल्कुल, देखिए जैसे उन्होंने बताया कि गड्ढे भी बड़े बड़े, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, क्या कंपनी का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता? मान लीजिए सांसद, विधायक या प्रशासन अनदेखी करता है तो उनका जिम्मेवारी नहीं बनता? देखिए निसंदेह अभी जो हम लोगों को बोला जाता है कि जितने भी कंपनियां हैं उनको अपना 10 किलोमीटर की परिधि में CSR फंड के तहत काम करना चाहिए, सब मौन है। खाना पूर्ति के लिए उन लोगों के तरफ से कभी कभार होम्योपैथी कैंप लगा दिया जाता है, कभी कभार ब्लीचिंग पाउडर दे दिया जाता है, बस यही सड़क यहाँ के कंपनियों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रशिक्षण के नाम पे कभी कभार लूट हो रहा है यहाँ पे। जो मूलभूत समस्या है सड़क का, पानी का, बिजली का, इसके लिए तो वह कंपनियाँ कहीं से भी अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। कभी उनको मौका मिलता है तो 5 लाइट दे दिए, तो यह कंपनियां अपना विकास यही समझती हैं, 5 लाइट, 5 बोरा ब्लीचिंग पाउडर और हम लोग भी वही लेके खुश हैं। और इतनी बड़ी समस्या है, आप 10 मिनट से अगर यहां कवरेज कर रहे हैं तो सैकड़ों गाड़ियों का आपने आवागमन देख लिया होगा। और जो भी प्रशासन के लोग हैं, DC साहब भी आए थे, DC साहब पिछले 2 महीना पहले जो अन्ना चौक से जो प्रस्तावित रोड है चांदनी चौक, उसको भी देखने आए थे। उन्होंने कहा था कि 1 महीना में हम काम चालू करेंगे, वह सड़क भी वैसा ही हाल है, अभी तो काम भी बंद हो गया है। जो परियोजना 1 साल में पूरा होने वाली थी 5 साल हो गया। गोविंदपुर जलापूर्ति योजना की परियोजना थी 237 करोड़ का, ठेकेदार 216 करोड़ रुपया निकाल के चला गया, मगर यहाँ के पानी की पाइपें वैसे ही फटी है, एक जगह रिपेयर हो रहा है दूसरा जगह फट रहा है, 216 करोड़ का घोटाला हुआ है। सड़क भी बनी थी 2 साल पहले, लेकिन उसमें फ्लाई एश के साथ सीमेंट का नहीं उपयोग करके, फ्लाई एश का उपयोग करके ये सड़क को ढाल दिया गया। कितना दिन हम लोग प्रभावित रहे, क्या जेई मर गए हैं, क्या अब जो प्रशासनिक अमला है मर गया है, कंपनियां सो रही हैं। आंदोलन होगा, सड़क से सदन तक आंदोलन होगा, सड़क सत्याग्रह होगा, और अगर इसका जवाब नहीं निकलेगा तो एकदम चक्का जाम होगा। देखिए जैसे इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं जो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लाइट या ब्लीचिंग पाउडर दे के पूरा कर लेती है, लेकिन जो मूलभूत सुविधा है, जो सड़क,
सही तरीके से होना चाहिए। देखिए कैसे किस तरीके से गाड़ी है, वो नहीं हो पा रही है। तो जी यहाँ के लोगों का साफ कहना है कि अगर सड़क नहीं बनता है जल्दी तो सत्याग्रह करेंगे, और निश्चित है इस तरीके का आंदोलन होने से तो प्रशासन जागता है। न्यूज़ 11 भारत का भी मकसद यही है कि जनता का समस्या को दिखाने का, कि ताकि जो क्षेत्र के विधायक सांसद या फिर उपायुक्त है वो जल्द से जल्द संज्ञान लें और इस रोड का निराकरण कराएं। अभी वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि क्षेत्र में गंदगी का कैसा अंबार है, कचड़ों का अंबार कैसा है, वो भी आपको हम दिखाएंगे। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बोल जनता बोल में। हम समस्याओं को दिखा रहे हैं, अब आपको हम दिखाते हैं इस क्षेत्र की, गोविंदपुर क्षेत्र की, कचड़ों का अंबार। अब ये देखिए, ये मेन रोड है। अब समझा जा सकता है कि जहां स्वच्छता संरक्षण को लेकर जमशेदपुर या फिर राज्य अपने आप को अव्वल लाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है, और इस क्षेत्र की क्या स्थिति है समझा जा सकता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मेन रोड के बगल में कचड़ों का अंबार लगा है, कई वर्षों से लगा, और ना ही साफ़ सफाई होती है ना ही कोई देखने वाला है। जबकि आप समझिए, देखिए स्क्रीन पे किस तरीके से बजबजाते, ये गंदगी आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे सारे जो। और सबसे ज़्यादा अगर ख़तरनाक है तो जो पॉलीथीन का उपयोग हो रहा वो भी कहीं ना कहीं बहुत ख़तरनाक है, और इससे निश्चित है कि कई बीमारियों का आगमन हो सकता है। अब ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा होगा ये कचड़ा, और उसके बाजू में देखिए किस तरीके से पूरा जो पानी निकासी के लिए नाली बना है उसकी स्थिति क्या है आप देख सकते हैं। किस तरीके हमारे सहयोगी दिखा रहे होंगे कि पूरी तरह से नाली भरा हुआ है, कोई देखने वाला कोई समझने वाला नहीं है तो किस तरीके से ये स्थिति है आप समझ सकते हैं। जबकि मैं अपने सहयोगियों को कहूंगा कि कचरा दिखाने के बाद ये कंपनी का भी एक बार एक दृश्य दिखा दे चैनल पर, लोग देख सके कि इतनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं इस क्षेत्र में, कचड़े के साथ साथ बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं इस क्षेत्र में काम करने वाली, लेकिन कोई भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सामाजिक दायित्व का निर्वाह करना चाहिए वो पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं। केवल लाइट और ब्लीचिंग पाउडर देते हैं, वो भी कई महीनों बाद। तो लोग इधर के काफ़ी परेशान हैं, और आप साफ नज़र आ रहा होगा स्क्रीन में किस तरीके से ये गंदगी का अंबार लगा है। चाहे हम ये मेन रोड की बात करें या इसके बाजू में अन्य रोड की बात करें, एक बार आप मैं सही हुए कहूँगा कि कंपनी दिखाने के बाद एक बार फिर से कचड़ों को दिखाएं किस तरीके से कचड़े की स्थिति है यहाँ पे। और इसके बाजू, उसके दूसरे बाजू भी आपको हम मेरे सहयोगी दिखाएंगे कि उसके दूसरे बाजू में क्या स्थिति है। देखिए ये रोड के दूसरी बाजू है, दूसरे बाजू भी वही स्थिति है, कचड़ों का अंबार लगा है, और काफ़ी दिनों से है ये। जैसे यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि ये इस समस्याओं से काफ़ी दिनों से जूझ रहे हैं, और जिस तरीके से ये टेलको से मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर के बाद ये जगह है जो गोविंदपुर कहलाता है, वहाँ की क्या स्थिति है देखिए किस तरीके से कचड़ों का अंबार लगा हुआ है। और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कंपनी की आती जाती है, लेकिन इस पे इनका किसी का नज़र नहीं जाता, चाहे वो नगर निकाय की बात करें या फिर जो कंपनियाँ हैं जिन्हें साफ़ सफाई करनी चाहिए वो। तो किस तरीके से स्थिति उत्पन्न हो रही है आप समझ सकते हैं कि कचड़ों का अंबार लगा हुआ है और लोग त्राहिमाम किए हुए हैं। कचड़े हैं, कचड़े से कई बीमारियों का आगमन होता है, और कहीं ना कहीं बीमारियों को हम निमंत्रण देते हैं। यहाँ इस क्षेत्र के कुछ लोग हैं, हम उनसे जान लेते हैं, एक बुज़ुर्ग व्यक्ति भी है। आप तो बहुत एज हो गया काफ़ी दिनों से इस क्षेत्र में, तो आपको लगा कि कभी ये कचड़ा की सफाई हुई या कचड़ा देखने वाला? अभी 6 महीना साल भर में एक बार कभी उठता है कचड़ा, आने तो हमसे पड़ा रहता है सही, मैंने रोड में तो चलना ही मुश्किल हो गया है, यहाँ निकलना मुश्किल हो गया है, पूरा कोई व्यवस्था नहीं है, टोटल ध्वस्त है व्यवस्था, रोड का वही हाल है, कचरा का वही हाल है। आज से 25 साल पहले कचरा उठा होता था गोविंदपुर में, 25 साल पहले जब टाटा से टेलको से मिला हुआ था, उसके बाद में तो टोटली बंद है। काफ़ी दिक्कत होता कि चलना रहना मुश्किल है भाई, घर वाला को रहना मुश्किल है यहाँ इसके चलते। बड़ी बड़ी 3-3 मल्टीनेशनल कंपनियाँ, क्या वो कंपनी कोई ध्यान नहीं देता है? कभी हम लोग अगर प्रेशर बनाते हैं तो एक बार उठवा लिया थोड़ा सा भेज के, या फिर रेगुलर साफ नहीं होता, कोई नहीं बोलो, कोई नहीं। तो बाहर से जो गेस्ट आते होंगे उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ा गिल्टी फील होता होगा।
बहुत गलती। फिर अब तो गोविंदपुर में आने के लिए लोग डरता है, ऐसा पोजीशन हो गया। इस तरीके से बुजुर्ग व्यक्ति बता रहे हैं कि गोविंदपुर में लोग आने से भी डरते हैं। मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे होंगे कि किस तरीके के कचड़ों का अंबार लगा हुआ है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। कभी काल अगर प्रेशर बना तो कंपनी के कुछ लोग आए, हटा दिया, फिर से वो स्थिति। कचड़े के साथ साथ पानी का जमाव भी हो जाता है, उसके चलते भी कई बीमारियां दस्तक देती है। कितना दिक्कत होता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, एक तो कोरोना है उसका, छोटे छोटे बच्चे तो बीमारी को भी निमंत्रण देता, कोई देखने वाला नहीं। सर यहाँ मतलब वार्षिक पे कुछ नहीं होता है, ना सरकार कुछ कर रहा है ना कंपनी कुछ कर रहा है। कचरा घर से कचरा निकलेगा ही, लेकिन फेंकने को व्यवस्था नहीं है, तो सर कोई उपाय नहीं है। कचरा का वही हाल है, रोड का वही हाल है, नाली का वही हाल है, पानी भी नहीं है, कुछ नहीं है। पानी के नाम पर रोड खोद दिया गया, ना रोड बन रहा है और ना पानी आया ढंग से, बहुत दिक्कत है सर। पूरा गोविंदपुर में कचरा का यही हाल है, कोई कचरा उठावे नहीं, ना पंचायत उठा रहा है अन्ना कंपनी उठा रहा है। देखिए जैसे बता रहे हैं कि ये पंचायत क्षेत्र पड़ता है, ना पंचायत के प्रतिनिधि किसी तरह का पहल कर रहे हैं, ना ही कंपनी के लोग हैं। क्या कहेंगे कचरा देखने के बाद? आप तो क्षेत्र में काफ़ी दिनों से रह रहे होंगे। हम न्यूज 11 के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि जो छोटा गोविंदपुर में कचरा और सड़क की दुर्दशा है, पिछले दिनों सड़क की पर जो पानी बह रहा था, जल जमाव जो हो रहा था, उसको रोकने का कुछ हद तक प्रयास तो हुआ, लेकिन अभी भी जारी है। और इसको देखते हुए जो बाहर से आते हैं, हम लोग भी रोड पर जब निकलते हैं गाड़ी लेकर के, तो उसका छिट्टा आधा ड्रेस पर पड़ता है। और कचरा का जो स्थिति है बहुत बदतर स्थिति है, इसको यदि नहीं कंट्रोल किया गया, चाहे वो जिला प्रशासन पहल करे, यहाँ के बहुत से कंपनी हैं जिनका उत्तरदायित्व है, इसको पहल करके और इस समस्या का कोई बराबर इसका निष्पादन किया जाना चाहिए। ये नहीं कि होली आया दिवाली आया तो थोड़ा सफाई कर दें और उसका फोटो खींच करके अपना CRC बाहवाई लूट लें, उससे फायदा नहीं होगा। यहाँ जनता को तभी इसका लाभ मिलेगा, जनता को तो मजबूरी है कहीं कचरा रखेगा, जनता तो कचरा सीधे ले जा करके 10 किलोमीटर नहीं पहुँचा सकता है। तो इसकी व्यवस्था के लिए जो पहल करना चाहिए, जिला प्रशासन ही कंपनी को बैठा सकती है, हम लोग बैठाएंगे तो गलत रूप होगा ना उसका। तो इसलिए हम चाहते हैं, एक बार पुनः G11 से अपील करते हैं माध्यम से, कि उन सभी को बैठा करके इसका बराबर का सोल्यूशन निकलना चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों का जीवन स्तर सुधार हो और बाहर से जो आए, गोविंदपुर एक गोविंदपुर लगना चाहिए। बगल में हमारा 5 कंपनी है और सबसे ज़्यादा प्रभावित हम हैं। ठीक है, धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए जैसे व्यक्ति बता रहे थे कि कचड़े के बारे में कि बड़ी बड़ी 5-5 कंपनियां हैं, एक बार सहयोग कहूँगा कि इस ओर भी दिखाए कि ये जैसे बता रहे हैं कि लोगों की मजबूरियां भी हैं कि आखिर कचड़ा जाए तो कहाँ जाए। कचड़ा प्रबंधन के लिए कोई ठोस कार्य नहीं किया, ताकि जो घर के कचड़े हैं या गंदगी है उसको कहाँ फेंके। शहरी क्षेत्र में तो जिसको जो है वो अपनी कार्य करते या निकाय है वो काम करते, लेकिन पंचायत क्षेत्र में कोई किसी तरह का व्यवस्था नहीं। आप देखिए किस तरीके से जो घर के पीछे नालियाँ हैं, घर के जो मेन नाली है, अगर ये नाली भर जाएगी तो निश्चित है कई तरह के बीमारी, कई तरह के कीड़ा मकोड़ा भी घर में घुसते हैं। जैसे ये बगल वाले घर के व्यक्ति है, वो समझ सकते हैं कि वो किस स्थिति में अपने आप को इस घर में रह रहे होंगे, क्या स्थिति होगी, कैसे वो अपने आप को स्टेब्लिश कर रहे होंगे। तो मेरे सहयोग कहूँगा कि एक बार आगे आकर भी दिखाएं कि आखिर ये गोविंदपुर का जो क्षेत्र है, बहुत बड़ा इलाका है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन कंपनी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नहीं पूरा करती है। कहीं ना कहीं उसे देखना चाहिए, करना चाहिए। और ये देखिए ये घरों का ये स्थिति है, ये देखिए ये बड़े बड़े घर बन गए हैं लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। ये स्थिति आप देखिए किस तरीके से ये पूरा कचरा का अंबार लगा हुआ है। निश्चित है जैसे लोग बता रहे हैं कि अब जो गेस्ट है या फिर जो लोग कहीं से बाहर से आते हैं तो इस क्षेत्र में आना भी नहीं पसंद करते, तो समझा जा सकता है। रोड तो कुछ क्षेत्रों में ठीक दिख रहे हैं, लेकिन कचड़ों का अंबार आपको साफ नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, जिस तरीके से पूरा कचड़ों से भरा हुआ आपको ये नज़र आ रहा होगा। देखिए, और जब हम यहाँ पहुँचे तो लोग घरों से स्वयं ही बाहर निकल गए, और ये कहने के लिए कि न्यूज़ 11 भारत से के माध्यम से हम प्रशासन और बड़ी बड़ी जो कंपनियां उसे अपील करते हैं कि जल्द से जल्द कचड़े का जो अंबार लगा है उसे हटाया जाए, ताकि हम जो हमारे जो परिवार के लोग हैं वो स्वच्छ वातावरण में रह सके। ऐसे भी कोरोना काल चल रहा, कई बीमारियां उत्पन्न हो रही है, और इस कचड़े से निश्चित है मलेरिया डेंगू होने का खतरा लगातार बरकरार रहता है। तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से कचड़ों का अंबार लगा है, लेकिन प्रशासन को, कंपनीज़ को या फिर पंचायत क्षेत्र के लोगों को कम से कम इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि जो कचड़ों का जो ठोस प्रबंधन नहीं है वो किया जा सके, ताकि जो कचड़े का अंबार लग जाता है
वो कहीं ना कहीं ना लगे और लोग इससे निजात पा सके। आप यहीं रहते हैं, आप यहीं के निवासी, नाली की स्थिति आप क्या कहेंगे? कचड़े और नाली, नाली और रोड बहुत ही यहाँ बदतर है। कचरा का तो मत पूछिए, बीमारी पैदा हो रहा है, पूरा बच्चा लोग चाहे बड़ा लोग पूरा बीमारी से दुस्त है। कोई इसको सफाई करने वाला कोई नहीं है, पहले कुछ दिन होता भी था, अभी टोटली टोटल बंद है। कचरा को लेके हम लोग बहुत परेशान हैं, कचरा फेंकने वाला कोई नहीं है, ना कुछ करने वाला कोई है, ऐसे ही कचरा यहीं पे पड़े रहेगा, दो साल तीन साल ऐसे ही रहता है। जब ज़रूरत पड़ा तो हम ही लोग चंदा करके इसको उठा के फेंक देते हैं। कचरे से तो बीमारी का निमंत्रण, हाँ, ये कचरा को लेके मच्छर, बीमारी और प्लस नाली जाम, इसको लेके मच्छर का भी प्रकोप बहुत ज़्यादा रहता है। छोटा छोटा बच्चा सब है सब घर में, और सब बच्चा सब परेशान है, इसका महक जो है बहुत सा गंदगी पैदा कर रहा है। जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि बीमारियों का घर है ये, कहीं ना कहीं जो कचड़े होते हैं जो छोटे छोटे बच्चों को कहीं ना कहीं दूषित करते हैं, प्रॉब्लम करते हैं। कचड़ों का अंबार लगा हुआ, नालियां भरी है, क्या नहीं लगता कि जो कंपनीज के जो बड़े बड़े कंपनी है उसको अपना सामाजिक दायित्व तो निभा करना चाहिए, चाहे कुछ ऐसे ठोस उपाय करने चाहिए ताकि जो कचड़े इधर उधर फेंकते वो हो सके? देखिए, एक्चुअल में ये गोविंदपुर का दुर्भाग्य है, गोविंदपुर ही नहीं, एक कंपनी के सराउंडिंग 2 से 2.5 किलोमीटर के अंदर जितने भी कंपनी के अधिकार क्षेत्र से बाहर की बस्तियां, जैसे गोविंदपुर हो गया, राहड़गोड़ा हो गया, बारीगोड़ा हो गया, ये कचड़े का अंबार ही नहीं, आने वाले दिन में बहुत बड़ा संक्रामक विस्फोट के ये पर हम लोग बैठे हुए हैं। कंपनी एक्ट के अनुसार 10 किलोमीटर के दायरे में उसको बुनियादी सुविधाएं देनी है, सड़क मुहैया कराना है, कचड़ों का निष्पादन करना है, साफ सफाई की व्यवस्था रखना है और वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य की व्यवस्था रखनी है। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि गोविंदपुर में एक टाटा मोटर्स का ये चलता था डिस्पेंसरी, वो भी आज के तारीख में बंद हो गया। कचरा जस्ट आप लोगों के सामने है, इसके लिए लाख प्रयास किया जा रहा है लेकिन कंपनी के कान पर जूर तक नहीं रेंग रहा है। तो अगर यही स्थिति रही तो एक सीमा के बाद जब व्यक्ति का धैर्य चुकेगा तो फिर कंपनी को भुगतना होगा। जिस तरीके से यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है या कंपनी संवेदनहीन हो गए, निश्चित है जिस तरीके से उन्होंने बताया कि अपने जो जो क्षेत्र के लोग हैं वो आपस में मिलकर ही कचड़े का उठाव करवाते हैं, तो समझा जा सकता है कि ये जो कंपनी के बड़े क्षेत्र का हिस्सा गोविंदपुर जहाँ बड़ी बड़ी 5 कंपनियां हैं उसे कहीं ना कहीं अपनी सामाजिक दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। साथ ही साथ जो सांसद, विधायक, पंचायत क्षेत्र के जो जिला पार्षद या फिर अन्य लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं इन क्षेत्र में ये सारी समस्याओं का समाधान करना की ज़रूरत है ताकि आने वाले दिनों में यहाँ के लोग स्वच्छ वातावरण में रह सके। निश्चित है न्यूज़ 11 भारत भी प्रशासन से अपील करता और बोल जनता बोल कार्यक्रम का मकसद यही है कि लोगों की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने का। निश्चित है ये कार्यक्रम के बाद प्रशासन की नींद जागेगी और इस क्षेत्र का जो विकास है वो हो पाएगा। अपने सहयोगी अनवर के साथ प्रभात, न्यूज़ 11 भारत, जमशेदपुर। शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।